हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमारे एडवांस फार्मा चैनल में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। और आज कुछ विशेष जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, और जिसमें मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था भावा के बारे में। भावा क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसा दिखता है, क्या कलर होता है, तो आज हम इसी को लेकर के बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के हमारे एडवांस फार्मा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप लोगों को बेहतरीन जानकारी आपके साथ इजीली पहुंच सके। तो भावा दिखाते हैं, भावा क्या होता है। भावा इसे बोलते हैं, भावा देख लीजिए, ये भावा है और कुछ इस टाइप का दिखता है। इसे भावा बोलते हैं। इसे वैसे तो जो टेक्निकली नाम होता है इसे भावा बोलते हैं, और वैसे देखा जाए इसे पुडिंग पाइप भी बोलते हैं, और इसे ड्रम स्टिक बोलते हैं, इसे कासिया पॉड बोलते हैं, और इसे पर्किंग कासिया भी बोलते हैं। तीन चार इतने सारे नामों से जाना जाता है। पाया जाता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये खासकर इंडिया में बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इंडिया के एक जगह है जिसे कोंकण फॉरेस्ट, यानी कोंकण के जंगल, वहाँ पे बहुत पाया जाता है, जिसे खाना देश बोलते हैं। वहाँ पे खानदेश है एक तरह से। और अमेरिका, म्यांमार और श्रीलंका की जो भी, श्रीलंका में जितने भी रोड साइड हैं, रोड साइड पे इसके बहुत बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। जगह जगह पे ये पेड़ जो होते हैं ये रोड के किनारे लगाए जाते हैं, जिसमें देखा होगा आप लोग कुछ लोगों ने, ये कुछ इस टाइप के लटकते दिखते हैं। ये बहुत सारे सेम टाइप के होते हैं, बीज टाइप के, बहुत सारे लंबी लंबी स्टिक होती है। कम से कम देखा जाए तो 1 से 1.5 मीटर फुट इसकी लंबाई होती है, और बहुत उपयोग किया जाता है। ये खासकर एक लग्जेटिव होता है, ये चिल्ड्रंस के लिए सेफ है, साथ में जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको भी लिए बहुत सेफ है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लाइटिंग या कुछ भी हो रहा है तो उसमें ये दिया जा सकता है। साथ में इसकी जो बार्क होती है, जो बार्क यानी कि इसका जो पेड़ होता है, उस पेड़ में इसमें जो छाल होती है, उसकी छाल ये फिस्टुला के लिए बहुत ही लाभमंद होती है। यानी कि जिसको भी अगर भगासी बगंदर की अगर प्रॉब्लम्स होती है तो उसको दिया जा सकता है। और इसमें 10 से 12% टैनिन्स पाए जाते हैं, क्योंकि टैनिन्स को लेकर के इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये लाइट रेड डाई होता है जो ऑब्टेन फ्रॉम बार्क एंड एलियम से भी निकलता है, ठीक है। और इसकी जो बात करते हैं डिस्क्रिप्शंस को लेकर के, इसको हम थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखाते हैं। कुछ इस टाइप का टूटा है। तो बात करते हैं कि ये एक तो सिलेंडर का शेप होता है, बहुत लंबा होता है, इसमें सूंघने पे स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है अच्छी सी। उसके साथ साथ ये जो फूड इसमें जो होते हैं, बहुत सारी जितनी सेम, ये क्या नाम, लड़ियां होती हैं, जितनी एक तरह से छड़ी टाइप की होती हैं, फली होती हैं बहुत लंबी लंबी, बहुत सारी होती हैं। इसके अंदर जो देखा जाए, ये जो होता है पॉड से होता है, चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, इसमें ऑर्डरलेस होता है टेस्ट। अगर आप इसको टेस्ट करने की कोशिश करें तो इसका टेस्ट जो होगा टेस्टलेस होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है। और इसका जो साइज होता है वो 1.5 फुट के आसपास होता है, साइज की बात करें तो। और ये सिलेंडर इलोंगेटेड होता है, यानी कि लंबा होता है और सिलेंडर का शेप में, देखा कि ये बिल्कुल गोल है और बहुत लंबा है, तो इस फॉर्म में पाए जाते हैं। साथ में ये इसके जो बीज होते हैं 25 से 50 बीज इसमें प्रति स्टिक जो होती है ना, ये फली होती है, इसमें कम से 20 से 50 बीज निकलते हैं एक सिलेंडर का, इसमें पॉड में, कासिया पॉड में या ड्रम स्टिक में 20 से 50 इसमें जो सीड्स होते हैं बीज, वो निकलते हैं। जो साइज होता है उसका
10 mm का होता है, 8 से 10 mm का 2.5 mm साइज होता है। और यूज के लिए मैंने बताया कि ये पल्प इज लग्जरेटिव एंड यूज फॉर द सेफ फॉर चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ होता है। सो आज बहुत ही और इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर की, और ये सेफ होता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन उसके लेटरिंग में जो दवाई दी जाती है तो उसके लिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर वो प्रेग्नेंट है या बच्चा हो तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। सो आज इसी के बारे में बात की और देखा इसको तोड़ के कैसे क्या दिखता है, और ये मैंने इसके बताया इसका जो बीज होता है, और बीज के भी बात करते हैं। इसका जो बीज होता है कुछ इस टाइप का होता है, देखिए ये इसका सीड है, ये इसका सीड निकला है, बीज होता है, देख सकते हैं ऐसे ही अंदर हमेशा ये बीज निकलते रहते हैं इस टाइप के। तो और देखते हैं और भी निकाले, ये भी निकलना है, इसमें ये निकाले जा सकते हैं, ये देखिए। सो बहुत ही गुणकारी औषधि है। सो बिना किसी देरी के